हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से दो दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन गुरुग्राम सेक्टर 12 के चौपाल में किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव को लेकर अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी कार्यशैली लगा रही है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए मंथन शिविर का आयोजन कर रही है। दो दिवसीय इस मंथन में शिविर में आम आदमी पार्टी के हरियाणा के सभी जिलों के अध्यक्ष तमाम संगठन के साथ इस मंथन में भाग ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली मॉडल पर हरियाणा में भी लोगों को अपनी पार्टी की उपलब्धियां बताएंगे तो वही लगातार बीजेपी और कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी के इस मंथन शिविर में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई बड़े नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस संगठन को मजबूत करने के बारे में गुर सिखाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव को आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। मंथन शिविर में पहुंचे सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आज भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, यही कारण है कि आम आदमी पार्टी का जनाधार हरियाणा में लगातार बढ़ रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने इस मंथन शिविर में संगठन मजबूत करने के साथ साथ दिल्ली और पंजाब की सरकार को मॉडल को लोगों के बीच पहुंचाए गए। आप अग्निवीर योजना के ऊपर चर्चा करें, हमने 269 में नोटिस देके काम रोको नोटिस दिया कि स्थगन करें और पहले इस पर चर्चा करें, परंतु सरकार आमदा है उस योजना को लाने के लिए। हमने महंगाई पे चर्चा की मांग की है, महंगाई डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया है, डॉलर 80 रुपये पार कर गया है, रसोई गैस मिलती नहीं है, घी आटा चावल पहली बार उस पर टैक्स लग गया है, यहाँ तक कि जो धर्मशालाएं थी शीतला माता मंदिर के साथ में छोटे छोटे धर्मशालाएं बनी हुई जो 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये लेके पूरी रात एक परिवार वहाँ पे रुकता था, अब उसके ऊपर GST लगा दिया गया। उनको हिसाब रखने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, एक मुनीम रखना पड़ेगा। इन व्यवस्थाओं में जो चीज़ें बदल रही हैं इन सब पे हमने चर्चा की बात की, परंतु चर्चा नहीं हो पाई। हम चाहते हैं कि हरियाणा में व्यवस्था बदले, क्योंकि हरियाणा बेरोजगारी में देश पे नंबर 1 स्थान पे है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा के अंदर है। हरियाणा में सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति हो रही है, इसके नाम पे लड़ाया जा रहा है, किसान परेशान है। एक साल तक किसान बॉर्डर पे बैठा, 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम MSP की गारंटी का कानून बनाएंगे, परंतु नहीं बनाया। एक कमेटी बनाई जिसके अंदर सिर्फ BJP का आदमी रखे और वो व्यक्ति रखे जो इस कानून की तारीफ करते हुए घूमते, जिसको प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग के जो कानून वापस लिया। हमने सदन में इस मानसून सत्र के अंदर भी ये आवाज़ उठाई कि आप MSP की गारंटी का कानून लेकर आएँ, आप जो कमेटी आपने बनाई है उस कमेटी को दोबारा ऑर्गेनाइज करें ताकि किसानों को प्रतिनिधित्व मिल सके। ये सब मुद्दे चर्चा हुई। आज हम यहाँ पे इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर चर्चा करेंगे हरियाणा को विकसित करने की, हरियाणा को शिक्षित करने की, कार्यकर्ता के अंदर व्यवहार अच्छा रहे, कार्यकर्ता को सत्ता की लड़ाई ना लड़े, व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़े, इन सब बातों पर चर्चा। बात करें क्योंकि अब हाल ही में जिस तरीके पार्टी पंचायत राज के चुनाव लड़ेगी, नगर निगम के चुनाव लड़ेगी, नगर पालिका के चुनाव लड़ेगी, सभी सिंबल पे लड़ेगी, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और विधानसभा के लड़ेगी और सरकार बनाएगी। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि गुड़गांव को ये मौका मिला है कि पूरी आम आदमी पार्टी हरियाणा की टीम को हमने आमंत्रित किया है, सेंटर ने ये आयोजित किया है। 150 डेलीगेट्स आए हुए हैं सभी चारों जोनों से और बहुत अच्छे हमारे लीडर्स सभी आने वाले हैं। सुशील गुप्ता जी अभी बोल रहे हैं, थोड़ी देर में पंकज जी फंड रेजिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद संदीप पाठक जी आ रहे हैं जो स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना उसको बात करेंगे और फिर शाम को संजय सिंह जी आएंगे सभी का मार्गदर्शन करने। तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, पार्टी अब ग्रो कर रही है, इस तरह के शिविर हम लगातार करते रहेंगे। 150 बहुत कम लोग हैं इसलिए बहुत कम लोग आ पाए हैं, लेकिन अब ये लगातार चलता रहेगा और डिफरेंट सिटीज़ किया जाएगा। किन किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर कार्यक्रम? यहाँ पर एक तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, कई लोग हैं जो नए आए हैं, कई अलग
हमारी ग्रोथ हुई है, हमारी पूरी स्टोरी, हमारी स्ट्रगल और आगे की क्या हमारी प्लानिंग है, उस सब चीज़ की डिस्कशन हो रही है। गुड़गांव में जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तैयार है इसको इन्विटेशन दिया जाएगा। देखिए अब तो हर जगह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राउंड पे भी बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, मिस कॉल के जरिए भी जुड़ रहे हैं, हमारी विजिबिलिटी भी बढ़ रही है, लोगों को हमारे से बहुत अपेक्षा है, लोग परेशान हो गए हैं MCG के कामों से और सब हमें उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं कि नए लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोगों को लेके आएंगे, एक अच्छी राजनीति लाएंगे, ईमानदार राजनीति रहेंगे और जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। गुड़गांव का ये विश्वास है और हम वही उसी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। इलेक्शन के दौरान नई नई पार्टियां उभर कर आ रही हैं तो क्या कहना है आपका इस पर? सभी का स्वागत है, जो भी देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं सभी का स्वागत है। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही केवल अच्छे हैं, हम तो कहते हैं हमें देख के, हमारे दिल्ली के काम को देख के, अगर यहाँ के स्कूल आप अच्छे कर दें, यहाँ के हॉस्पिटल अच्छे कर दें, हम राजनीति बदलने आए हैं। जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी ही पोजिशन में आए, पावर में आए तो ही काम करें। अनफॉर्चुनेटली BJP और कांग्रेस जहाँ पे भी पावर में रहते हैं, जो ये चुनावी भाषण देते हैं वो जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ पे तो लागू नहीं कर रहे। आज उन्होंने गुजरात में कह दिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लिखित में दिया है, तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा में तो हमारी सरकार है, यहाँ बिजली सबको पता है। ये जब जुमलेबाजी करते हैं कि आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए, लोगों को पता है आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने दिल्ली में कर दिया है, पंजाब में काम हो रहा है और मौका देंगे तो हरियाणा में भी। कांग्रेस ने आपकी विचारधारा देखकर, केजरीवाल की विचारधारा देखकर पेंशन 6000 कर दिए और 300 रुपये फ्री करने का दावा किया, तो क्या कहना? दावे ही हैं उनके, अगर उन्होंने राजस्थान में करके दिखाए, अगर ये कांग्रेस, यही कांग्रेस जो राजस्थान में है वो वहाँ करके दे सबको 300 यूनिट बिजली, इनके पास वो करने की तमन्ना नहीं है, केवल बोलने की तमन्ना है। कुलदीप बिश्नोई ने अभी कांग्रेस का दामन छोड़ा है, BJP ज्वाइन करने को तैयार है, तो क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, सब लोग काम करते रहे, लेकिन अगर देश का काम करना है तो भगत सिंह की पार्टी ज्वाइन करिए, अम्बेडकर की पार्टी ज्वाइन करिए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करिए। ईमानदारी से आपने कहा, ईमानदारी से चुनाव लड़नी चाहिए। आपको लगता है सोना वाली सीट को देख के भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ लड़ेगी नगर निगम गुरुग्राम चुनाव को? जैसे कि जो पार्टी है ना वो ऊपर से लेके नीचे तक फर्जी कागज देकर, दस्तावेज देकर ही आगे आए हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि मीडिया के साथ ही इसको, आपके माध्यम से हम लोगों को उजागर करेंगे। हाईकोर्ट में केस चल रहा है, कल भी पेपर देने आए थे, उनकी साइड से कोई नहीं आया। मुझे 100% विश्वास है हमारे जुडिशियल सिस्टम पर कि उनका इलेक्शन रद्द किया जाएगा, BJP कैंडिडेट और हमारी कैंडिडेट ललिता जी जल्द ही सोना की जेल प्रसन्न बने। दोबारा चुनाव होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जनता का पैसा दोबारा वेस्ट ना किया जाए। उनका अगर खारिज होता है, उनके पेपर गलत है, तो उनको खारिज करके ऑटोमेटिकली जो सेकेंड पर्सन है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वरना जनता का सिटी का पूरा पैसा फिर बर्बाद। आम आदमी पार्टी चाहती है कि हमारे जो कार्यकर्ता हो, जिससे मिले नहीं आम आदमी पार्टी की नीतियाँ हैं उनको अच्छी तरह से जानें, जिसकी तरह हमने काम करना है उस तरीके से जनता के बीच में जाकर बताएं और अपना व्यवहार कैसा रखना है, अपना आचरण कैसा रखना है, उसके बारे में हर तरीके से हर बात को समझाया जाए। तो आम आदमी पार्टी क्या कहती है, किन किन मुद्दों को लेकर खास करें आप बात कीजिए? देखो, ये प्रशिक्षण शिविर है, प्रशिक्षण शिविर के अंदर तो जितने भी मुद्दे होते हैं, जनता के खिलाफ हो या पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हो, हर मुद्दे के ऊपर यहाँ चर्चा होगी। और ये हमारे जो आए हैं, जो दिल्ली से जितने भी वे जो स्पोक्समैन तो टीचर समझो जो प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं, एक एक मुद्दे के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और एक एक बात को समझाएंगे कि हमारी पार्टी क्या नहीं है, किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें इलेक्शन आने वाले हैं उसको लेकर भी पॉलिटिक्स तैयार की जाएगी। जो इलेक्शन तो हमारी पार्टी ने पहले ऐलान कर दिया, वही जो हम पहले तो इसका नगर पालिका का नगर परिषद के चुनाव लड़े, अब इसके बाद जो चुनाव आएगा नगर निगम का चुनाव वो भी लड़ेंगे, जिला परिषद का चुनाव वो भी लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा भी लड़ना है, तो पार्टी जब चुनाव लड़ने के लिए बड़ी है तो चुनाव तो सारी लड़ेगी। मुद्दों को लेकर कुछ बात की जाएगी मुद्दे तो हमारे हैं ना, बिजली पानी शिक्षा सब मुद्दा, मेरा अपना मानना ये यही है कि होना चाहिए कि भाई जो गरीब आदमी है, जो मतलब कमजोर वर्ग है कोई भी हो, उसको तो फ्रोट मिलनी चाहिए सोशल के, क्योंकि आज के दिन आप देखोगे अब जो महंगाई इतनी होगी, आदमी को 10 से 15 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, 10 से 15 हज़ार रुपये जो तनख्वाह मिलती है उसके अंदर उसके पास पैसे तो बचते नहीं है, सारे के पैसे उसके खर्च में चले जाते हैं। अगर मान लें एक परिवार के अंदर 100 गज का प्लाट मकान है, किसी के साथ प्लाट है, अगर एक बाप के बेटे दो हो गए तो 50-50 गज का रहेगा, तो बाप को तो अगर वे दोनों बंटवारा कर लेंगे बाप को तो फिर भी बाहर रहना पड़ जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें भी साथ साथ हमारी होनी चाहिए। जब मेरी अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा है कि पार्टी की लाइन नहीं है,
पार्टी आके जो कहेगी आके हम उनके साथ बात करेंगे, वहाँ जो करना वो करेंगे। लेकिन ये भी इसके अंदर होना चाहिए 100 गज के 150 गज के प्लाट भी गरीब आदमी को मिलने चाहिए। बहुत बड़ी बात है। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।